आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। इस क्वेश्चन में ये दे रखा है कि जो फ्रीक्वेंसी और सोनोमीटर वायर का वो 100 हर्ट्ज है, ये 10 नहीं है, ये 100 हर्ट्ज है। तब जब वेट्स जो कि टेंशन प्रोड्यूस कर रहा है वो कम्प्लीटली इमर्स्ड है एयर में, और जब वेट्स वाटर में कम्प्लीटली इमर्स्ड है जो तब जब फ्रीक्वेंसी हो जाता है 80 हर्ट्ज, और वेट्स को किसी सर्टेन लिक्विड में इमर्स करने के बाद वही जो फ्रीक्वेंसी है वो हो जाता है अपना 60 हर्ट्ज। तो उस केस में अपने से पूछा है कि स्पेसिफिक ग्रेविटी लिक्विड का क्या होगा। अपन जानते हैं कि जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होता है वो होता है एफ इक्वल टू 1/2L रूट अंडर टी बाई मास पर यूनिट लेंथ, जो कि वायर का मास पर यूनिट लेंथ, जो कि अपन म्यू से डिनोट करते हैं, या टी टेंशन है और एल लेंथ ऑफ द वायर है। और अगर मास वेट के वजह से है तो वेट के वजह से है जो कि सस्पेंडेड है, तो टी हो जाएगा टी इक्वल टू एम जी, वेर जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो जाएगा, तो अपना एफ हो जाएगा एफ इक्वल टू 1/2L रूट अंडर एम जी बाई म्यू। यहाँ पे तीनों केस में तब जब एयर में सस्पेंडेड है, वाटर में सस्पेंडेड है और सर्टेन लिक्विड में सस्पेंडेड है, तीनों केस में अपना जो टी है, तीनों केस में म्यू और क्योंकि वायर सेम है तो म्यू और एल हमेशा कांस्टेंट रहेगा, तो अपना जो फ्रीक्वेंसी हो जाएगा एफ वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा रूट अंडर एम जी के। वेट भी तीनों केस में, मतलब मास भी तीनों केस में सेम है, तो एम भी हट जाएगा यहाँ, तो फ्रीक्वेंसी हो जाएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट अंडर जी। तो यहां से अपन लिख सकते हैं एफ वन बाई एफ टू स्क्वायर इक्वल टू जी वन बाई जी टू। ये क्वेश्चन वन हो गया। अपने को फ्रीक्वेंसी इन एयर दे रखा है 100 हर्ट्ज, और फ्रीक्वेंसी जब वेट वाटर में इमर्स होता है तो 80 हर्ट्ज दे रखा है। तो ये क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ वाटर बाई फ्रीक्वेंसी ऑफ एयर इक्वल टू 80/100, therefore frequency in water equal to 0.8 times frequency in air। ये अपना ऐसे हो जाएगा। अगर अपन इस इक्वेशन को, इस एक्सप्रेशन को यहाँ पुट करें तो अपने को क्या मिलता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ वाटर बाई फ्रीक्वेंसी ऑफ एयर का होल स्क्वायर इक्वल टू जी ऑफ वाटर बाई जी ऑफ एयर। तो ये हो जाता है फ्रीक्वेंसी ऑफ 0.8 का होल स्क्वायर। इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, रो डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू वॉल्यूम ऑफ मास डिस्प्लेस्ड इंटू जी ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू वॉल्यूम ऑफ मास इंटू जी ऑफ एयर इक्वल टू 0.8 का होल स्क्वायर। ये जी ऑफ वाटर क्या हो जाएगा अपना, ये ऐसा कुछ हो जाएगा, तो ये अपना हो जाएगा डेंसिटी ऑफ मास माइनस डेंसिटी इन वाटर डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ मास इक्वल टू डेंसिटी ऑफ मास है डेंसिटी मास 0.8 का होल स्क्वायर। तो और 1 माइनस डेंसिटी इन वाटर बाय डेंसिटी ऑफ मास इक्वल टू 0.64, और डेंसिटी ऑफ वाटर बाय डेंसिटी ऑफ मास इक्वल टू 0.36। उसी तरह से अपन ये लिख सकते हैं कि 1 माइनस डेंसिटी ऑफ लिक्विड बाय डेंसिटी ऑफ मास इक्वल टू 0.36, और डेंसिटी ऑफ लिक्विड बाय डेंसिटी ऑफ मास इक्वल टू 0.64। अगर ये इक्वेशन को अपन 2 माने और इसे 3 ले लें, फ्रॉम 2 एंड 3 अपन क्या लिख सकते हैं, डिवाइड करने पर
जिसमें डेंसिटी ऑफ मास कैंसिल हो जाएगा, डेंसिटी ऑफ लिक्विड जिसमें डेंसिटी ऑफ लिक्विड डेंसिटी ऑफ मास इक्वल टू 0.64 बाई 0.36 इक्वल टू 1.77। ये अपना आंसर हो गया। फिर ये वाटर निकालना था अपना, डेंसिटी ऑफ लिक्विड बाई डेंसिटी ऑफ वाटर इक्वल टू 1.77। ये 2 और 3 को डिवाइड करने से आता है। ये अपना आंसर हो गया। क्लास 6 से 12 से लेके नीट आईआईटी जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउट नेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।